मेरे को ना कभी कभी लगता है कि हमारा देश बर्बाद हो चुका है या बर्बाद होने के रास्ते पे है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। नहीं मतलब मेरे को कोई समझाओ कि IIT बॉम्बे में अनुष्का सेन का क्या काम है भाई। उसको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बुलाया हुआ है, क्या करेगी वो, कौन सा मोटिवेशन फेंकेगी। बात तो सही है। मेरे को तुम लोग एक बात बताओ कि IIT बॉम्बे वाले को ये इंस्टाग्रामर क्या समझाएगा कि रील कैसे बनानी है, कम लाइट में वीडियो कैसे शूट करनी है, छोटे कपड़े पहन के फोटो कैसे खिंचाना है, बिकनी कैसे पहननी है, ये समझाएगा क्या? अगर ये सब काम करना होगा तो MIT में जाएंगे ना बच्चे, IIT में क्यों आएंगे। मेरे को तो हजम ही नहीं हो रहा है कि IIT बॉम्बे में ये रील बनाने वाले को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया है। मतलब देश तो बर्बाद हो ही चुका है, लग ही रहा है साइंस है भाई, कयामत आने वाली है। तो गाइस यही तो कलयुग है, पुराणों में इसे ही कलयुग कहा गया है कि मतलब ब्रा पैंटी पहन के रील्स बनाने वाली लड़की IIT बॉम्बे वालों को ज्ञान देगी। मतलब जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े इंडिया के टॉप मोस्ट, उन लोगों को ज्ञान दे रही है, और वो भी कौन, ये मोटिवेशनल स्पीच दे रही है इन लोगों को। मतलब सीरियसली कुछ भी मतलब इसकी खुद की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन ये IIT वालों को ज्ञान दे रही है। और इसको इन्वाइट किसने किया यार, इसको गेस्ट किसने बना के बुला लिया, मेरे को जहर क्यों नहीं दे देता कोई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?